विधानसभा क्षेत्र से प्रवीण ठाकरे प्रत्याशी है जी। क्या मुद्दे है आप सर आपके पास? देखो मैंने 60 बिंदुओं का यह घोषणा पत्र बनाया है जो अभी तक इन लोगों ने 60 काम जो है 60 काम ऐसे है कि जो इन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला यहाँ पर, किसानों के मतलब खेत में जाने के लिए अभी रास्ते नहीं बने हैं, पांधन को सड़क में तब्दील नहीं किए हैं, यहाँ पर दवाखाने की व्यवस्था नहीं है, 52 बीमारियों की अभी भी एक गोली देते हैं, यहाँ के लोगों को सामने नागपुर जाना पड़ता है, ऐसे कई मुद्दे हैं। यहाँ के जो कंपनियाँ हैं कंपनियों में ज़्यादातर बाहर के लोग लगे, यहाँ के निजी लोग नहीं लगे। कलेक्टर रेट जो होता है 420 रुपया वो भी 8 घंटे का 420 रुपया, ये 320 रुपये में 12 घंटे काम लेते हैं। इस प्रकार से ये जो अवैध धंधे चलते हैं, रेत के अवैध धंधे चलते हैं, कनान को खाली कर दिया, ढिमर समाज को डांगर की खेती करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं बची है, ये सारे प्रकार के जो अवैध धंधे सट्टा जुआ दारू ये सब लोग करते हैं। नाना मोड और विजय चोर ये 50-50% वाले पार्टनर आज भी एक दूसरे को जलेबी खिलाते हैं और समाज को भ्रमित करते हैं, दारू पिलाते हैं, या हमारे पूरे नौजवान को दारू पिला के रैली में नचवाते हैं, ताली बजाते हैं, सारे माँ बाप परेशान हैं कि मेरे बच्चा कभी दारू नहीं पीता था और ये दारू पिलाना सिखा दिए, ये कितना अधर्म का काम कर रहे हैं यहाँ पर बंधु। किसानों और, को धान का मूल्य नहीं मिल रहा और बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके लिए आप क्या करोगे? भाई मैंने देखो मैंने घोषणा पत्र में लिखा है कि यहाँ का जो उत्पादन होता है उसको हम मतलब प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे कपास होती है कपास का प्रोसेसिंग करेंगे, धागा बना के लोगों को बोलेंगे बेचो या रुई निकाल के बेचो, मूंगफली होती है तो मूंगफली का अगर प्रोसेसिंग होता है तो ज़्यादा भाव मिलता है, फली बेचने के बजाय अगर दाना निकाल के बेचते तो ज़्यादा भाव होता है। किसानों को मार्गदर्शन करेंगे कि अपने यहाँ जो उत्पादन होता है उसका प्रोसेसिंग सिस्टम अपनाओ और सहकारी संस्थाएँ खोल के हम किसानों को सहकारी संस्था के माध्यम से उनके उत्पादन को प्रोसेसिंग सिस्टम सिखा के उनको हम ज़्यादा पैसा उनके अपने माल का ज़्यादा पैसा देने के लिए मतलब उनको मिले, ये प्रकार से इस प्रकार से हम काम करेंगे।